उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा तकरीबन 11:30 पर फतेहगढ़ निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना के साथ ही प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण भवन में बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री आवास विकास भाजपा कार्यालय रवाना होंगे। निरीक्षण भवन में तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद लगभग 12:50 पर आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय आ गए। जगह जगह पुलिस बल लगाया गया। पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी गेट पर स्वागत किया। वहीं 1 घंटे तक जिले के कार्यकर्ताओं को चुनावी गुण सिखाकर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने प्रदेश सरकार के कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, कोरोना मॉडल देश में नहीं विदेशों में चर्चा का विषय बना है, प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति में सरकार है और 5 किलो राशन 1 साल से ज्यादा समय से दिया जा रहा है। प्रदेश में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ। यूपी में मोबाइल कारोबार अन्य प्रदेशों की अपेक्षा नंबर 1 बना है। सपा बसपा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष के लोग कोरोना काल में नहीं निकले, गायब थे, जनता की चिंता नहीं थी, आज चुनाव के समय भ्रम फैला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, हमारी शिक्षा में परिवर्तन के साथ आज बनी है और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो या जो परीक्षा केंद्र है उनका ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हो या स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ समय से मूल्यांकन, समय से रिजल्ट और समय से प्रवेश की कार्य हो, शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन पूरे प्रदेश में हुआ। आज 250 के आसपास नए विद्यालय पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में बने हैं और 77 के आसपास डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में बनकर तैयार हैं और अगर देखा जाए तो 12 के आसपास विश्वविद्यालय अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। शिक्षा में इतना बड़ा परिवर्तन और परिवर्तन के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा, नई शिक्षा नीति को लागू करना, सभी पाठ्यक्रमों में चाहे वो डिग्री कॉलेज के हों चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के हों, रोजगार परक शिक्षा और सभी जगह प्लेसमेंट सेल विश्वविद्यालयों में बनाया जाए जिसे नौकरी का सृजन हो, ये बड़ी घटना है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है जिनमें 1.5 लाख शिक्षक हैं जो बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विभाग के मिला के, और इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं इनमें एक भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,61,00,000 के आसपास अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन प्रदेश में हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंक द्वारा दिए गए ऋण के माध्यम से, और कोरोना का जो मैनेजमेंट है वो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। आज कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति में हम पहुंचे हैं लेकिन सुरक्षा और सावधानी अभी भी जरूरी है और उसके रहते भी हमें आगे काम आगे करना है। 1 साल के अंदर सभी प्रदेश के जिलों में ऑक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर युक्त बेड्स को उपलब्ध कराना, सभी कोरोना के जो टेस्ट हैं, टेस्टिंग कोरोना का टेस्ट जो है पूरी करना, टीका